वैसे तो मैं आप सभी के लिए हमेशा क्रेडिट कार्ड के अनबॉक्सिंग वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इस बार मैं आप सभी को एक डेबिट कार्ड का अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ जो कि मुझे HDFC बैंक की तरफ से रिसीव हुआ है। और इस डेबिट कार्ड के बेनिफिट मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में आपको बताया जाए। इस डेबिट कार्ड के जरिए आप अगर ऑटो डेबिट की सर्विस को यूज़ करते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट यानी कह सकते हो कैशबैक मिलेगा अगर आप बिल पेमेंट्स करते हो तो। यानी आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को भी ऑटो डेबिट में लगा दो ना तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है 5% का। उसके अलावा पेजेप पर स्पेंड करोगे तो उस पर भी आपको कैशबैक मिलेगा। और भी कई सारे जो इसके मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है वो सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम इस डेबिट कार्ड की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि इसमें कैसे ही हमें डेबिट कार्ड रिसीव हुआ है। सो उस पेपर के अंदर से हमें कुछ इस तीन तरह के पेपर्स और निकले हुए हैं। तो पहला वाला जो ये है इसमें मेरा डेबिट कार्ड भी है और मेरा एड्रेस वगैरह और कार्ड के बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ मेंशन है, तो ये मैं आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले बाकी के जो हमारे पास पेपर्स वगैरह उसमें क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैनेज योर HDFC बैंक डेबिट कार्ड जिसके माई कार्ड के बारे में बताया गया है। तो माई कार्ड में आप कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो, कैसे आप इसका यूज़ करते हो, इसके ऊपर हमारा चैनल के ऊपर डिटेल वीडियो है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसे भी हम साइड में कर देते हैं। दूसरा जो है पर मेंशन है योर डेबिट कार्ड इज योर EMI कार्ड, यानी आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू ही कोई भी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो और उस अमाउंट को EMI में कन्वर्ट करके भी पे कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट पेपर में आपको यह जानने को मिल जाएगा कि आप अपने डेबिट कार्ड का पिन वगैरह कैसे सेट कर सकते हैं, जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो पिन कैसे सेट करना है ये मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो भी आपको डेबिट कार्ड मिलता है उस पर जो ट्रांजेक्शन की कुछ लिमिट होती है ATM से विड्रॉ करने की, तो वो मैं आपके साथ में बताना चाहूंगा। तो आपका अगर सेविंग एंड सैलरी अकाउंट है तो आप जो फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं 5 HDFC बैंक के थ्रू और HDFC बैंक के ATM से, और आप अदर बैंक के ATM से विड्रॉ लगाते हैं तो आप मेट्रो एरिया में रहते हैं तो 3 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, नॉन मेट्रो एरिया में रहते हैं तो 5 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कैश विड्रॉ के लिए ₹21 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, और आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो ₹8.50 का आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपने कार्ड का लुक, और ये आप देख सकते हो मेरे डेबिट कार्ड का लुक कुछ इस तरह का है। फ्रंट में ही इसके सारे डिजिट लिखे होते हैं डेबिट कार्ड के, और ये जो डेबिट कार्ड है HDFC बैंक का टाइम्स पॉइंट प्लेटिनम डेबिट कार्ड है जो कि हमें मास्टर नेटवर्क के साथ में पावर्ड बाय होकर मिला है। यानी मास्टर नेटवर्क पर जितने सारे बेनिफिट्स से जो भी मर्चेंट पर बेनिफिट्स मिलते हैं वो सभी हमें इस कार्ड के ऊपर मिलेंगे, और जो इसके बेनिफिट है वो आपको इस पेज पर ही देखने को मिल जाता है जिसे आप चाहो तो रीड कर सकते हो। वैसे इसके जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर ले इस डेबिट कार्ड के ऊपर मिलने वाले वेलकम बेनिफिट के बारे में। तो इस कार्ड के जरिए जैसे आप POS डिवाइस या फिर आप ऑनलाइन मर्चेंट पर पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको 500 टाइम पॉइंट मिल जाते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, डाइनिंग या ग्रोसरी पर स्पेंड करोगे तो उस पर आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इस कार्ड के जरिए प्रति ₹150 स्पेंड करने पर आपको 2 टाइम्स पॉइंट्स मिल जाते हैं जिसे आप टाइम्स पॉइंट की वेबसाइट पर जाकर रिडीम कर पाएंगे, और यहाँ पर जो मिनिमम रिडीम्शन रखा गया है मात्र 10 टाइम्स पॉइंट्स का ही रखा गया है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यदि आप इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऑटो बिल पेमेंट की सर्विस को यूज़ करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। तो अगर आप रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट्स के लिए इस कार्ड का यूज़ करते हैं जिसके लिए आपको ऑटो डेबिट की सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी, यानी आपको नेट बैंकिंग में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको बिल पे एंड रिचार्ज का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको ऐड बिलर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपने क्रेडिट कार्ड को वहाँ पर ऐड कर देंगे, या आप कोई ब्रॉडबैंड सर्विस यूज़ करते हैं उसको ऐड कर देंगे, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक से आपके अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट हो जाएगा, देन उसके लिए जो है आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। और इसके जरिए आप मैक्सिमम जो कैशबैक अर्निंग कर सकते हैं पर ईयर ₹1800 का कर सकते हैं। साथ ही आपको इसमें एक एक्सक्लूसिव बेनिफिट भी मिल जाता है जो कि ₹500 का आपको Amazon पे या फिर अदर किसी ब्रांड का वाउचर भी मिल जाएगा यदि आप इस सर्विस का यूज़ करते हैं तो। और इस कार्ड का यूज़ आप इलेक्ट्रॉनिक्स परचेस करने में करते हैं, फर्नीचर परचेस करने में करते हैं, फ़ोन्स को परचेस करने में करते हैं, तो उसमें अगर आपके मिनिमम स्पेंडिंग ₹5000 है ना तो उसे आप EMI में कन्वर्ट करके भी पे कर सकते हैं। ये आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इसे चेक करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जस्ट आप टाइप करेंगे MyHDFC और उसे सेंड कर देंगे 5676712 पे आप अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर के थ्रू, देन आपको वहां से रिप्लाई मिल जाएगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है। एंड इसके अलावा HDFC बैंक के दो और एप्लीकेशन, एक तो है पेजेप और दूसरा जो है स्मार्ट बाई, तो वहां पर आप स्पेंडिंग करेंगे इस कार्ड की हेल्प से तो आपको 5% का जो कैशबैक है वो देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें आपको इंश्योरेंस कवर भी दिए जाते हैं, जिसमें हम बात करें तो आपको ₹10 लाख का एक्सीलरेटेड पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर मिल जाता है,
उसके अलावा इस कार्ड के ऊपर आपको इंटरनेशनल एयर एक्सीडेंटल कवर भी दिया जाता है 1 करोड़ रुपये का, एंड इसमें आपको बेस पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर जो है 5 लाख रुपए का दिया जाता है, और 2 लाख रुपए का आपको फायर एंड बल्गरली प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। एंड आप ट्रेवल करते टाइम में इस कार्ड का यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको चेक बैगेज इंश्योरेंस भी आपको मिल जाता है 2 लाख रुपए का, एंड आपको इस पर 0 लायबिलिटी कवर भी दी जाती है, जिसमें आपके साथ में अगर कोई भी फ्रॉड वगैरह हो जाता है तो उसको भी कवर करके दिया जाएगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट की बात करें वो है कि आपको इस पर कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस भी मिल जाएगा एयरपोर्ट्स पर अक्रॉस इंडिया, कहीं भी आप कर सकते हैं, जिसे आप पर कैलेंडर क्वार्टर एक बार यूज़ कर पाएंगे। बट 1 जनवरी 2024 के बाद में आपको जो है मिनिमम 5,000 रुपये का स्पेंडिंग करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर में, उसके बाद में आप नेक्स्ट क्वार्टर में आप इसका फ़ायदा ले पाएंगे। तो ऐसा कुछ अभी एक न्यू रूल आया है लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए, तो ये इस पर मिल रहा है। तो आप 5,000 रुपये को ज़्यादा अमाउंट नहीं है, आप इतना स्पेंड कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो लाख रुपये रखा गया है कि अगर आप क्वार्टर में 1 लाख रुपये स्पेंड करोगे तब जाकर आपको नेक्स्ट क्वार्टर में लाउंज एक्सेस की फ़ायदा मिल पाएगा। यहाँ पर विड्रॉल लिमिट की बात कर ले तो आप ATM से 1 लाख रुपये पर डे विड्रॉ कर सकते हैं, और डोमेस्टिक शॉपिंग आप 3.5 लाख रुपये का कर सकते हैं, और POS डिवाइस की बात करें तो अपर लिमिट 2,000 प्रति डे, एंड जो मैक्सिमम कैश ऑन POS लिमिट है 10,000 रुपये रखी गई है, लेकिन इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, अपनी लिमिट को अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इस कार्ड की हेल्प से अगर हम फ्यूल के ऊपर स्पेंड करते हैं, यानी इंडिया के किसी भी पेट्रोल पंप पे जाकर अगर पेट्रोल डलवाते हैं तो क्या उस पर हमें फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा? तो इसका आंसर है नो। इसमें आपको 2018 से पहले ऐसे बेनिफिट मिलते थे, लेकिन 2018 के बाद में इन्होंने फ्यूल सरचार्ज वेवर देना बंद कर दिया है। अब जान लेते हैं इस डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। तो इस डेबिट कार्ड का जो एनुअल फीस है 650 रुपये प्लस टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे। रिप्लेसमेंट या री इशू चार्जेस जो है 200 रुपये प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे। और यदि इस कार्ड का यूज़ करके आप रेलवे स्टेशन पर स्पेंड करते हो, रेलवे पर टिकट वगैरह बुकिंग करते हो, तो अगर आपका एक शॉर्ट अमाउंट होगा तो उस पर आपको 30 रुपये का चार्जेस पे करना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा का स्पेंडिंग करते हो, मतलब 2,000-3,000 का अगर आप बुकिंग वगैरह करते हो, तो उस टाइम आपसे 1.80% का चार्जेस लेवी किया जाएगा। सेम चार्जेस आपको IRCTC के वेबसाइट के थ्रू भी अगर करते हैं तब भी आपको ये पे करना पड़ेगा। सो ये था HDFC बैंक के टाइम्स पॉइंट प्लेटिनम डेबिट कार्ड के चार्जेस और रिव्यू मैंने आपको दिखा दिया, बेनिफिट्स के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। एक चीज इसका रहेगा जो कि इस डेबिट कार्ड का पिन आप कैसे सेट कर सकते हो, तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सो HDFC बैंक के डेबिट कार्ड का पिन सेट करने के लिए जस्ट आपको आ जाना है HDFC बैंक का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे आपने ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया है। तो मैंने यहाँ पर HDFC बैंक का जो मोबाइल एप्लीकेशन उसे ओपन कर लिया है, और ऊपर में लेफ्ट कॉर्नर में आपको मेनू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। देन आपको सेकंड ऑप्शन पे का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर जस्ट आपने टैप कर देना है। एंड आपको थर्ड ऑप्शन कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर जस्ट आपने टैप कर देना है। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर आपने टैप कर देना है, जो भी आपका एक्टिव डेबिट कार्ड है उस पर टैप करने के बाद में सेट पिन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर जस्ट आपने क्लिक कर देना है। देन आप यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड का पिन बना सकते हैं, आपको 4 डिजिट का पिन एंटर कर देना है, उसी को री एंटर कर देना है, और आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर देना है, देन कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर कुछ डिजिट दिखाई जाएंगे, देन आपने उसे सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। उस पर एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पर एंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और इतना करते ही आपका जो डेबिट कार्ड का पिन है सक्सेसफुली बन जाएगा। देन इसका यूज़ करके आप ATM से विड्रॉ वगैरह लगा पाएंगे, या फिर आप POS डिवाइस पर स्पेंडिंग करते हैं तो इस पिन का यूज़ करके कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ ब्लॉक का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करके ब्लॉक कर सकते हैं। शो मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका कार्ड एक्टिव है या नहीं है। कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने लिमिट्स को कस्टमाइज कर सकते हो, यानी आपको डोमेस्टिक पे जो ATM विड्रॉल है एक दिन में कितनी की रखनी है वो आप रख सकते हो। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप इनेबल करना चाहते हो कि नहीं वो आप कर सकते हो, तो अभी मैं इसे इनेबल भी कर देता हूँ, और आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लिमिट भी सेट कर सकते हो। तो हमने ये कर दिया। मर्चेंट आउटलेट एक्टिवेट है, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन आप अगर एक्टिवेट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। बट मुझे जो है इस कार्ड से कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वगैरह करनी नहीं होती है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर इसी सर्विस को एक्टिवेट कर लेता हूँ डोमेस्टिक वाले को, और ये मैंने सारा सेटअप कर लिया है, एंड कंफर्म वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ।
फिर आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको अपना एटीएम पिन एंटर करके कार्ड का एक्सपायरी यहाँ पर एंटर करके कंटिन्यू कर देना है। इतना करते ही आपकी जो कार्ड की लिमिट्स वगैरह है वो भी सेट हो जाएगी। अब आपने अपनी मर्जी से लिमिट भी सेट कर ली है कि कहाँ पर आपको कितनी स्पेंडिंग की ज़रूरत है। इसके अलावा आप इस सेम प्रोसेस को नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप हमारी पहले वाली वीडियोज चेक कर सकते हैं जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आई होप आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।